हेलो एवरीवन, सबका स्वागत करता हूँ अपने एक नए यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो को जरा भी स्किप मत करना, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही कमाल की और बहुत ही खास है उन भाई के लिए जो पूछते हैं कि नोएडा में काम किस तरीके से होता है, नोएडा में काम कैसे होता है। दोस्तों आज की वीडियो में आपको कंपनी के अंदर लेके जाऊंगा, नोएडा सेक्टर 81। जी हाँ दोस्तों, नोएडा सेक्टर 81 में चलूंगा और वहां पे एक कंपनी है जो कि होम फिनिशिंग का वर्क करती है, पिल्लो कवर बेडशीट वगैरह बनाती है, और वहां पे किस तरीके से काम होता है कंप्यूटर एम्ब्रॉयडरी से। जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर से कैसे कढ़ाई किया जाता है वो मैं आपको आज की इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ, क्योंकि कंपनी के अंदर जाऊंगा, क्योंकि कंपनी के अंदर अलाउड नहीं होता दोस्तों वीडियो शूट करना, बट फिर भी मैं किसी तरीके से आप लोग के लिए वीडियो शूट करूंगा। दोस्तों आज मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि वहां पे सारा टोटल और टोटल एम्ब्रॉयडरी का काम होता है, वो भी कंप्यूटर एम्ब्रॉयडरी से। कंप्यूटर से डिजाइन किया जाता है, उसके बाद कमांड दिया जाता है, उसके बाद मशीन ऑटोमेटिक अपना जो है जो भी डिजाइन होता है वो अपने हिसाब से भी बनाती रहती है। सिर्फ एक लड़का चाहिए एक मशीन पे धागा देखने के लिए कि धागा कहीं फंस तो नहीं रहा, अगर धागा फंसता है तो डिजाइन गलत हो जाएगी। तो इसे जैसे ही धागा फंसे या धागा खत्म हो जाए तो धागे को लगाने के लिए वहां पे लड़के की जरूरत होती है। एक तो कंप्यूटर ऑपरेटर हो गया, उसकी अच्छी सहायता सैलरी होती है, और एक होता है मशीन पे खड़े होना, ठीक है, मशीन पे खड़े होना धागा वगैरह चेंज करना, तो वहां पे उनकी भी सैलरी ठीक ठाक मिल जाती है, 10 से 12 हजार 15 हजार आपको आराम से मिल जाती है। अगर लेकिन आप कंप्यूटर का काम जानते हो, कंप्यूटर ऑपरेटर से डिजाइन बनाना जानते हो ना, फिर तो आपकी 25-30 तक आराम से आपको 30 के ऊपर ही मिलेगा अभी के रेट में बताओ। तो चलिए वीडियो करते स्टार्ट बिना किसी बकवास।